ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ। साथियों, ग्रामीण भारत चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली खबर की ओर। आज भोपाल में किसान यूनियन के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का कहा गया था, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही, यानी कि चुनिंदा किसान ही उसमें पहुंच पाए। लेकिन यह आंदोलन जो है भोपाल के प्रमुख मार्गों पर किया गया, जिसमें अनिल यादव जो अपने आप को किसान यूनियन का अध्यक्ष बताते हैं, ये उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसानों के द्वारा दूध और सब्जी सड़क पर फैला दी गई। साथ ही सरकार को यह चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो इस आंदोलन को वो बड़ा करेंगे और उग्र करेंगे। गौरतलब है कि किसान यूनियन के द्वारा कल मध्य प्रदेश सरकार को यह चेतावनी दी गई थी कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के कई वादों और कई वचनों को पूरा करने के बाद आज किसान यूनियन फिर से धरने पर बैठ गई है और उसका कहना यह है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा वो इसी कदर से धरना देते रहेंगे। आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? भाई साहब, मैं धरने पर बैठा हूँ, उग्र धरने पर बैठा हूँ। मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ और बहुत मुझे प्रताड़ित किया गवर्नमेंट ने। और ये मेरी ककड़ी 1 रुपये किलो बिक रही है, मार्केट में 40 बिक रही है, ये 1 रुपये गड्डी बिक रही है, 15 रुपये की ये लोग बिचौली बेच रहे हैं। ये व्यापारियों की मिली भगत है, नेताओं की मिली भगत है। मेरा 160 रुपये बोनस भी नहीं मिला, मेरा 22 एकड़ खेत जल गया, राख हो गया 2 मिनट के अंदर। अभी तक गवर्नमेंट ने मेरी कोई मदद नहीं करी, ना कोई मैंने बैठने आया ना सुनने आया, सिर्फ मेरे को 1 लाख रुपये मिला मुआवजा। मेरी 12 लाख की फसल जली है और मैं तो आत्महत्या तक करने जा रहा था, मगर मेरे यूनियन के लोगों ने मुझे दिलासा दी, हिम्मत दी कि अपन उग्र आंदोलन करते हैं या डिमांड रखते हैं या धरने पर बैठते हैं। आपकी यूनियन की तरफ से ये सूचना हमें दी गई थी कि कई किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो गिनती के किसान है। भाई साहब, किसान तो सुबह से आपका साथ नहीं दे रहे किसान? किसान साथ दे रहे हैं, मगर कहाँ है किसान? मगर टेम्परेचर 50 है, 40 है, 45 है तो किसान बेचारे चले रहे। किसानों को काम भी करना है, अभी तैयारी कर रहे हैं दूसरी बोनी की, धान की तैयारी कर रहे हैं। यादव जी, कल आपने बोला था कि कई किसान आपके साथ आंदोलन करेंगे, लेकिन फिर भी किसान नहीं पहुंचे आपके आंदोलन में, क्या कहेंगे? नहीं, कहां नहीं पहुंचे, कितने किसान है? सब किसान है आपका, बात सुनिए। और भानपुर पे अभी सैकड़ों किसान है, रायसेन रोड पे सैकड़ों किसान है, बैरागढ़ में सैकड़ों किसान है। जहाँ जहाँ आवश्यकता लग रही है किसान अपना काम कर रहे हैं, फल फूल सब्जी अनाज को रोक रहे हैं। भैया, हमें उग्र आंदोलन नहीं करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना है, किसानों को समझाना है। अगर भीड़ होगी तो उग्र होगा आंदोलन, इसके लिए हम भीड़ की कहीं भी बोला कि 15 से 20, 25, 30 किसान एकत्रित हों और फल फूल सब्जी कर अपना प्रदर्शन सरकार तक अपनी बात को पहुँचाए। यानी कि आप 5-10 की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, 20, 25, 30, 40, 50 भी हो रहे हैं, 100 भी हो रहे हैं, लेकिन हमने आज शांतिपूर्ण आंदोलन किया वो दिया है। हमें कोई बहुत बड़ा जन समूह नहीं दिखा करके कोई सरकार तक मैसेज नहीं पहुंचाना है या हमें ताकत नहीं दिखाना, हमें वोट चुनाव नहीं लड़ना, हमारी मांगों को मनवाने के लिए हम जो बताना चाह रहे हैं कि हर क्षेत्र से किसान परेशान है। क्या बीजेपी की सरकार में आपकी मांगे पूरी होती थी? नहीं, बीजेपी की सरकार में मांग पूरी नहीं हुई, तब तो कांग्रेस की सरकार को हम लोग लेके आए 3 राज्यों में। आज सरकार जो है वो हमारी देन है, किसी यूनियन के आंदोलन के बाद 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन ये तो बेईमानी होगी कि हमने उनकी सरकार में लड़े और इनकी में ना लड़े, तो ये हमारा कोई सौदेबाजी किसी पार्टी से होती नहीं है। हमारा लड़ाई काम है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। इनका साफ साफ ये कहना है कि जो यहाँ पर किसानों की भीड़ कम एकत्रित हुई है उसमें इन्होंने ही ये कहा था कि ज़्यादा किसान एक जगह एकत्रित ना हो, नहीं तो ये प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। ये कहाँ तक सही है ये तो आंदोलन में आने वाले समय में ही तय करेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये तय है कि यहाँ पर जो बढ़ती कीमतें हैं उसके कारण आम नागरिक परेशान है और उनकी जो कीमतें वो किसानों को नहीं मिल रही है। नदीम खान के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत। के आंदोलन को सरकार पहले ही भाप चुकी थी, इसीलिए आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में स्थित समन्वय भवन में अनन फनन में एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें किसान नेता सहित मध्य प्रदेश सरकार के आला मंत्री भी शामिल हुए। उस बैठक में यह तय हुआ कि किस तरीके से किसानों की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के शिव कुमार कक्का जी ने सीएम से चर्चा की। इस बैठक में महासंघ ने सीएम के सामने कई अहम मांगे रखी। बैठक के दौरान किसान मजदूर संघ ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी। उनका कहना था कि 7 दिन का विशेष सत्र बुलाकर किसानों से जुड़े मसलों पर चर्चा की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्ज जल्द
बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी के अलावा किसानों की अन्य मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद किसान यूनियन ने हड़ताल वापस ले ली है। करिए राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, जिन्होंने घोषणा करी थी कि वह आंदोलन पर जा रहे हैं, उनकी चर्चा के बाद अभी उन्होंने घोषणा करी है कि ये आंदोलन ये वापस ले रहे हैं। और हमने ये तय किया है कि हम राज्य स्तर की एक समिति बनाएंगे, निराकरण समिति बनाएंगे, जो किसान और सरकार के बीच में समन्वय और क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी कठिनाइयां हैं, इस पर चर्चा होती रहेगी। ये बनाएंगे, अभी तो घोषणा करी है ना। पढ़ने के साथ ही पानी की समस्या सभी के सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश भी इस पानी की समस्या से अछूता नहीं रह गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में पीएचई मंत्री सुखदेव पासे का यह कहना है कि पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है और पानी बचाने के लिए लोगों के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। भैया, गर्मी आ गई है और जैसा कि पानी की समस्या अधिकतर जिलों में हो रही है, इसके लिए क्या आप लोगों ने प्लान बनाए हैं? देखिए, विगत वर्षों में लगातार वर्षा कम हुई है, न तो डैम भर पाए, न तालाब, और वाटर लेवल नीचे गिर गया। जहां 200-300 फीट पर बोर कराते थे पानी लग जाता था, लेकिन अब 1000 फीट पर भी पानी नहीं मिल पाता है, चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने वृहद स्तर पर कल हमारे विभाग के द्वारा ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रिचार्जिंग के लिए एक कार्यशाला आयोजित की थी, उसका चिंतन मनन किया और कैसे हम पानी को रोक सके ताकि हमारा जल स्तर ऊपर उठ सके, उस पर हमारा विभाग काम कर रहा, जो लंबे समय के लिए है। आम जनता को पेयजल व्यवस्था का तत्काल निराकरण किया जा रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि कहीं पर भी ग्रामीण अंचल में हो चाहे शहरी अंचल में हो, पेयजल से संबंधित कोई दिक्कत आए उसका तत्काल निराकरण किया जाए, उस पर हमारा विभाग शीघ्रता अमल कर रहा है। पानी के जो लोगों के प्राइवेट संसाधन है उनको भी आप लोग अब कर रहे हैं, सरकार के अंडर में ले रहे हैं? देखो, पानी मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए सरकार को जो भी निर्णय लेना पड़ रहा है वो निर्णय लेगी, लेकिन जनता को शुद्ध पेयजल और पानी उपलब्ध कराने का जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, वो करेंगे। और इसीलिए हमने भोपाल को सूखाग्रस्त घोषित किया ताकि जो जिनके निजी बोर है वो हम अधिग्रहण करेंगे, जो तेज रफ्तार से पानी निकालने का काम कर रहे थे वो अनुमति हमने रोकी है। अब पानी पर व्यवस्थित ढंग से कि पानी कम खर्च हो और जो पानी आता है, मिलता है, वो व्यवस्थित ढंग से नागरिकों को मिले, यह सुनिश्चित व्यवस्था की है। पानी के अपव्यय पर कोई ऐसा कानून आप बनाने जा रहे हैं जिसके कारण कोई सजा का प्रावधान हो या कोई जुर्माने का प्रावधान हो? कल ही इसके ऊपर कार्यशाला आयोजित की थी हमारे विभाग ने, उस पर चिंतन किया, मंथन किया, मंथन, और उसमें जो भी विचार आए वो अमृत निकल के आएगा, उस पर हम उसको पालन करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ग्रामीण भारत के समाचार के इस अंक में इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में, अगले समाचार में फिर नई खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।